मित्रों, इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड संस्कृत के श्लोक अर्थ सहित बताएंगे। स्वभाव नोपदेशन सकते कुटुम्बन्यथा सुतप्तिमपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीतताम्। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव मूल स्वभाव होता है वह कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसको कितना भी समझाएं, कितना भी सलाह दें, यह ठीक उसी प्रकार से होता है। जैसे पानी को आग में उबालने पर वह गर्म हो जाता है और खौलने लगता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है अर्थात ठंडा हो जाता है। इसलिए जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है व्यक्ति की वो कभी नहीं बदलती। कार्यार्थी भस्ते लोकम याकात् कार्य न सिद्धति उत्तीर्ण चा परे पारे नौकायम किम प्रयोजनम। जब तक किसी व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं होता तब तक वह दूसरों की प्रशंसा करते हैं, और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है वह उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे नदी पार करने के बाद नाव का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वह उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात वशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। इसका अर्थ है जो सब अन्यों के वश में होता है वह दुख है, और जो सब अपने वश में होता है वह सुख है। यही सुख और दुख का लक्षण है। कुसुम सधर्माणि ही योषितः सुकुमार उपक्रमाः ताह तो अंधिगत विश्वासैः प्रसभम उपकर्मणा माणाः संप्रयाग देविष्णः भवन्ति तस्मात् सामना एव उपचरेत। स्त्रियां फूल के समान होती हैं, इसलिए उनके साथ बहुत सुकुमारता से व्यवहार करना चाहिए। जब तक पत्नी के हृदय में पति के प्रति पूर्ण विश्वास उत्पन्न ना हो जाए तब तक कोई क्रिया जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। निस्त्वा यह प्रक्रमते नानांत वर्षति कर्मणः अवंध्य कालो वासात्मसा वै पंडित उच्यते। जिनके प्रयास एक दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू होते हैं, जो कार्य पूर्ण होने तक ज़्यादा आराम नहीं करते और जो समय का उपयोग करते हैं उसको बर्बाद नहीं करते, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं वह बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक का अर्थ बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके संस्कृत से सर्च करके बहुत सारे वीडियो श्लोक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।